तो बैठे बैठे क्या हो सकता है भाई, बैठे बैठे पेट कम करना है हमको, कुछ उपाय बताओ। हो जाएगा भाई बैठे बैठे आपका पेट कम, ये सारा एक्सरसाइज देखो आपका बैठे बैठे पेट कम होने का उपाय है ये सारा एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही आसान, क्योंकि आपका भाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कुछ ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर नहीं सकता है, ठीक है। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि इफेक्टिव नहीं होगा, 200% इफेक्टिव होगा उन भाई के लिए जिनको जिम जाने का मतलब उतना कुछ है नहीं, जिम जाने का उतना नहीं चाहते, जिम जाना घर पर वर्कआउट करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं आपको मैं बताऊंगा आज उनके लिए। एक चेयर पे आप बैठ के सिंपल 5 से 10 मिनट टाइम स्पेंड करके आप कैसे अपने पेट के चर्बी को कम कर सकते हो, किस तरीके से, कौन सा एक्सरसाइज हो, क्या होगा, सारा कुछ सारा कुछ स्टार्टिंग से एंड तक सारा कुछ मैं खुद करके दिखाऊंगा, वही आप लोग साथ फॉलो करोगे और पेट के चर्बी पे बैठे बैठे काम कर सकते हो आप लोग। इससे आसान एक्सरसाइज और क्या बताऊं आपको, पेट कम करना है, पेट कम भी होगा, बॉडी भी बिल्कुल शेप में दिखेगा। और कहीं भी चेयर तो सबके पास ही होता है, चेयर नहीं हो तो टेबल ले लो, कोई चौकी ले लो, बेड ले लो, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। पर ध्यान रखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से फॉलो करना है, 10 मिनट टाइम निकाल के देना है, आपका काम हो जाएगा, पेट पे काम करना है, इफेक्ट डालना है, 100% हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखो साथ में फॉलो करो, कोई और समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम में, ठीक है भाई लोग। तो पहला नंबर एक्सरसाइज होगा भाई हमारा क्या करना होगा, सिंपल का आप चेयर कोई सा भी ले लो, अच्छा सा चेयर, उस पर आप इस तरीके से बैठ जाओ, ठीक है। और पहला हमारा एक्सरसाइज होगा सिंपल, क्या करेंगे आपको, सिंपल आपको क्या करना है, पांव को इस तरीके से साइकिल जिस तरीके से रहते हो थोड़ा सा आगे की तरफ कमर को रखना है, जिससे कि हमारा ये इस तरीके से एलिवेशन मिले और हमारा एंगल इस तरीके से बने और पांव का सारा टेंशन हमारे पेट पे पड़े। इस तरीके सिंपल बैठ जाओ और लगाओ 10 रेपिटेशन, पांव को सिंपल साइकिल की तरह चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो बिना इक्विपमेंट के चेयर पे, साथ में देखते रहो फॉलो करते रहो। आप पहले तो एक्सरसाइज परफॉर्म करो, उसके बाद बताना कि हाँ भाई कारगर एक्सरसाइज है नहीं है, खुद आपको पता चल जाएगा, साथ में फॉलो करते हो। एक्सरसाइज नंबर पहला ये होगा। दूसरा नंबर एक्सरसाइज इस तरीके से सिंपल आसान एक्सरसाइज, सुपर इजी एक्सरसाइज, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, आपका ज्यादा पेट निकला हुआ है, कम पेट निकला हुआ है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। कमर को थोड़ा चेयर पे आगे रखना है इस तरीके से और ग्रिप अपने हाथ को इस तरीके से फंसा लेना है। और दूसरा नंबर एक्सरसाइज होगा, बस दोनों पाँव को ऊपर लेके आना है, 1 ऊपर 2 ऊपर 3 ऊपर 4 थोड़ा सा और आगे इस तरीके से, जिससे ज्यादा टेंशन बने पेट पे, ऊपर 5 ऊपर 6 ऊपर 7 8 9 10 11 एक्सरसाइज नंबर सेकंड। देख रहे हो कैसे यूज कर रहे हैं, सिर्फ चेयर का और सिर्फ एक एक सेट लगाऊंगा और रिजल्ट देखना आप लोग, पंप देखना मेरा भी जिम में, मतलब जिम कहो वर्कआउट कहो कुछ भी अभी नहीं हो रहा है तो सारा कुछ मेंटेन कर रहा हूं यही घर पे एक्सरसाइज वगैरह करके। तो आप लोग को अगर साथ में, मैं 1 महीने से वर्कआउट नहीं कर रहा हूं बट अपने बॉडी को मेंटेन करके चल रहा हूं, तो आप लोग ये समझ के रखो कि रिजल्ट सारा एक्सरसाइज में बता रहा हूं 110% रिजल्ट देने वाला है, इसका तो प्रूफ है भाई, ठीक है, इधर देख लो प्रूफ आपको सामने दिख जाएगा। तीसरा नंबर एक्सरसाइज हमारा एब्स के लिए, तीसरा नंबर एक्सरसाइज क्या होगा, तीसरे नंबर एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से बैठना है, हमारा ग्रिप इसी तरीके से रहेगा, कमर को थोड़ा आगे लेके आना है, ठीक है, और दोनों पांव को एक साथ पीछे लाना है इस तरीके से, 1 2 3 4 और जितना आप आगे की तरफ लेके जाओगे उतना ज्यादा आपका लोअर एब्स इंगेज हो जाएगा भाई, नीचे का चर्बी इंगेज हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 रिलैक्स। आप सामने से पांव लेके आ रहे हो, आपका लोअर एब्स इंगेज हो रहा है, नीचे का पेट का चर्बी निकला हुआ है भाई, नीचे का थोन निकला हुआ है, क्या करें, तो उसके लिए ये सारे एक्सरसाइज आप साथ साथ फॉलो करते रहो भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा सिंपल, लगाएंगे हम प्लैंक्स, ठीक है। अब प्लैंक्स में क्या होगा, आपका बस हाथ को इस तरीके से रखना है सिंपल, ठीक है, और पोस्चर आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कमर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे रखे बस होल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा पेट पे फोकस हो के आएगा, 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट इस तरीके से बस आपको होल्ड कर रखना है। फिर उसके बाद ट्विस्ट करना है बस इस तरीके से, 1 2 3 4 थोड़ा सा ऊपर करके, जिससे कि आपका घींचे आपका पेट, 5 6 7 8 9 10 11 रिलैक्स। अभी क्या होगा, हाथ को यहां पे रखो, पांव को यहां पे रखो और यहां पे रख के बस होल्ड करो 10 सेकंड तक 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी वापस से दूसरे साइड से सेम चीज, इस तरीके से ग्रिप रखना है, पांव को बिल्कुल सीधा और होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इक्विपमेंट नहीं है, जिम नहीं जाना है, घर पे एक्सरसाइज करना है,
प्रूफ के साथ कोई एक्सरसाइज बताओ भाई जिसे कि रिजल्ट मिले। बहुत मेरे भाई का क्वेरी रहता है, तो प्रूफ अभी देख लो, अभी मेरा स्थिति नहीं है जिम जाने का, हाथ टूटा हुआ है, बट सारा कुछ मेंटेन करके अभी ठीक ठाक नॉर्मल है, बट कम हो रहा है, बट नॉर्मल है, काम चलाओ है, बट मेंटेन करके चल रहा हूं। तो अगर आपको बिल्ड करना है, अगर आपको स्टार्टिंग से बिगनर हो या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा बॉडी शेप में आए, तो आप लोग के लिए परफेक्ट ये रामबान उपाय है, रिजल्ट देने वाला उपाय है भाई ये सारा एक्सरसाइज अगर आप सभी फॉलो करते हो पेट के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से ग्रिप लेना है, ठीक है, पांव को सामने रखना है और यहाँ पे रख के 10 सेकंड गिनो, होल्ड करो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, वापिस से थोड़ा और आगे जाओ, पांव को ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो 10 9 8 7 6 5 पूरा फील करोगे पूरा आपका पेट टाइट हो जाएगा भाई, 4 3 2 1 रिलैक्स। सारे एक्सरसाइज का 15 से 20 रेपिटेशंस, और जिसमें मैं बोल रहा हूँ होल्ड करने का उसे 5 से 7 रेपिटेशन लगाओगे, और टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आप होल्ड कर सको, ठीक है, ये सारा एक्सरसाइज आपको फॉलो करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से ग्रिप रखना है आपको, ठीक है, और लगाना है सिंपल, साइड साइड पे लेके आना इस तरीके से 1 2 3 4 साइड वाले के लिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिंपल एक माउंटेन क्लाइंबिंग का वेरिएशन है, लेकिन चेयर पे करोगे तो थोड़ा आपका इंक्लाइन पोस्चर हो जाएगा, और साइड पे लेके जाओगे तो ये साइड वाला चर्बी आपका कम हो जाएगा, साइड वाला जो फैट वगैरह बढ़ा हुआ है कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल खड़े हो जाओ और सिंपल साइड साइड पर ट्विस्ट करो, जिससे साइड वाला चर्बी भी आपका थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 रिलैक्स, घुटने से थोड़ा ऊपर अभी रहेगा लेकिन पूरा ट्विस्ट करेंगे साइड पे, तो जिससे कि हमारा इस चीज पे फर्क पड़े भाई, साइड वाले से आपको फर्क पड़े। तो ये सारा एक्सरसाइज देखते रहो, फॉलो करते रहो, एप्स के लिए 100% रिजल्ट देने वाला एक्सरसाइज है, और घरेलू घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा इसमें चेयर का इस्तेमाल करके सारा एक्सरसाइज होगी आप देख रहे हो फॉलो कर रहे हैं, तो साथ में आप लोग भी फॉलो करते रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रिप यहाँ पे, कमर थोड़ा आगे, पांव को इस तरीके से और सिंपल इस तरीके से लगाना है आपको 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 रिलैक्स, सब एक एक सेट है, और पंप देख लो, रिजल्ट देख लो आपके सामने है, किस तरीके का पंप, किस तरीके का बॉडी आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज करने के बाद। ये सारा एक्सरसाइज था जो कि एक चेयर का इस्तेमाल करके, भाई हमारे पास कुछ है नहीं, कोई इक्विपमेंट है नहीं, बट हमको एप्स बनाना है, पेट कम करना है, भाई कुछ उपाय बताओ, हमसे कुछ हेवी एक्सरसाइज नहीं होता है, तो ये लो आपके लिए बहुत ही आसान बहुत ही इजी एक्सरसाइज लेके आ गया हूं, क्योंकि आप चेयर लो इस तरीके से साइड पे रखो और रूम में ही जहां भी हो शुरू हो जाओ और अपने एप्स को ट्रेन करो, बिल्कुल ही अच्छा सा आपका पेट कम होके आएगा, और ये इस सारा एक्सरसाइज रिजल्ट देने वाला है, तो इसको आपको रेगुलर करना है फॉलो, एक दो दिन में आपको तुरंत नहीं बन के आ जाएगा, फिर एक दो दिन में आपको फर्क तुरंत नहीं दिखेगा, आपको करना पड़ेगा कम से कम 1 महीना 2 महीना रेगुलर, ठीक है, अच्छे खाने के साथ ये सारा एक्सरसाइज करोगे आपका पेट 100% कम हो जाएगा, और साथ में कुछ कार्डियो वगैरह भी ऐड कर सकते हो बीच बीच में, जब आप रेस्ट लेना हो आपको बीच बीच में कार्डियो वगैरह ऐड कर सकते हो, सिंपल जंपिंग जैक्स कर सकते हो, और सिंपल भी आप जंप कर सकते हो, टॉप इस तरीके जंप कर सकते हो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बॉडी एक्टिव हो और आपका फैट लॉस में हेल्प होगा भाई। मिलते हैं, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सारा एक्सरसाइज देखो अच्छे तरीके से फॉलो करो, पेट आपका कम हो जाएगा और बिल्कुल ही आप अच्छे दिखोगे, रिप दिखोगे, ये तोंद के जगह पे आपको एब्स चाहिए तो पेट कम करना पड़ेगा, ये सारा एक्सरसाइज देखो बैठ के कम होगा आपका सारा का पेट, ठीक है भाई, मिलते हैं, स्टे सेफ स्टे हेल्दी भाई।